नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रीट को लेकर फिर से बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन परिणाम को लेकर बेरोजगारों में आक्रोश है। परिणाम गलत जारी किया गया। दोस्तों, एक बड़ी खबर इसको लेकर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि रीट भर्ती परीक्षा का जो मास्टर माइंड है, उसके घर से 8 चप्पल की जोड़ी और 48 लाख का सामान बरामद हुआ है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने वाली गैंग ने कितनी जबरदस्त तैयारी करके रखी थी, इसका खुलासा सोमवार को पुलिस ने तुलसाराम कालेर की निशानदेही पर उसके घर की तलाशी ली और उसके घर से ये सामान बरामद हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि घर से मोबाइल डिवाइस लगी 8 जोड़ी चप्पल मिली है। ये चप्पलें परीक्षा के दिन कैंडिडेट को दी जाने वाली थी, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद इन चप्पलों की डिलीवरी नहीं हो पाई। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लगातार बेरोजगारों की मांग उठा रहे हैं और उनकी मांग है कि राजस्थान सरकार रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जाँच करे और ऐसे ही भर्ती परीक्षा में भी हुई धांधली के खिलाफ सरकार सीबीआई जांच करे। लेकिन दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। पुलिस के द्वारा कई बड़े खुलासे रीट भर्ती परीक्षा से जुड़े किए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि उपेन्द्र यादव ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। 11 नवम्बर को उत्तर प्रदेश कूच करेंगे, ये बड़ा ऐलान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने किया है। तो इसके लेकर जो भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।